ऑल राइट गाइस, अगर आप लोग भी लाइट वेब की मदद से कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूँ, ठीक है। वीडियो को अब तक देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो गाइस चले चलिए कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, आप लोग कैसे 3 लाइटरूम का जो XMB प्रीसेट है उसे इनपुट कर सकते हो लाइटरूम ऐप के अंदर, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके लिए गाइस आप लोगों को किसी भी एक फोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को जाना है लास्ट में, यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पर टैप करके आप लोगों को नीचे 3 डॉट वाले ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर प्रेस करना है और सबसे नीचे आप लोग देख सकते हो इनपुट प्रोफाइल्स, इसके अंदर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद गाइस जिस फोल्डर में आप लोग डाउनलोड करके रखा है जो लाइटरूम का XMB प्रीसेट है उसे इनपुट कर लीजिए, यानी गाइस उस फोल्डर में जाइए और उसके बाद टैप करके रखिए और कुछ इस तरीके से इनपुट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस मैं 10 XMB प्रीसेट आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ पर से 3 XMB प्रीसेट बेस्ट है, आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। और आप लोगों को सिलेक्ट पर टैप करके सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइस मैं पहले से सिलेक्ट करके रखा हूँ, मैं यहाँ पर दोबारा इनपुट नहीं करूँगा। आप गाइस सिंपली मैं बैक कर लेता हूँ एंड बैक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फोटो के अंदर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और यहाँ पर आप लोगों को जो XMB प्रीसेट का फाइल है वो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि गाइस यहाँ पर रेड कलर में दे रहा हूँ, ठीक है। रेड कलर कितना अमेजिंग दिखेगा आप लोग देख सकते हो और इसका अमाउंट बड़ा या कमा सकते हो आप लोग देख सकते हो गाइस कितना मस्त लुक आ चुका है फोटो के अंदर एंड वन क्लिक में बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा दिया एंड यहाँ पर ब्लू कलर भी देख सकते हो, यहाँ पर ऑरेंज कलर भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो कलर है बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है गाइस, जैसे कि ग्रीन कलर भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सो गाइस हर फोटो के अंदर ये जो XMB प्रीसेट है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। सो गाइस यहाँ पर से मैं सिंपली रेड कलर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर अगर आप लोग मैनुअल तरीके से छेड़छाड़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि गाइस कलर वाले ऑप्शन और यहाँ पर मिक्स वाले टूल और गाइस यहाँ से आप लोग जो ऑरेंज कलर है इसका सेचुरेशन को कम या बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करो एंड ऐसे ही अमेजिंग प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को शेयर करो। मैं और भी वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, बहुत सारे XMB प्रीसेट मैं आप लोगों को फ्री में दे दूँगा, ठीक है। सो गाइस इस फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे ये सारे चीज़ करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।